आज तुम कहानी मन शंका तो कड़कती वे गंगा पातू मन शंका तो कड़कती वे गंगा के बारे में देखने जा रहा हूँ। मन शंका तो कड़कती वे गंगा, there is a famous proverb in Hindi, everything is pure for the purest person. If your heart is pure, they will not take part in Ganga River. So, write us something, write us, ye chamate, logo ke chune masmat e, kujar karte te. Pandit ji, ya devar, ashrash me pad gaye, इधर सोने का कंगन लेकर उनके मन में लालच पैदा हो गया। हर पहुंच कर उन्होंने ब्रह्मणी को वह कंगन दिखाया और सारी कहानी तक सुनाई। वह सोचने लगी, वह यह कंगन कितना सुंदर है। ब्रह्मणी ने अपने पति से कहा, इसे राजा के पास ले जाओ। राजा कंगन को देखकर बहुत खुश होंगे और तुमको इच्छा इनाम देंगे। पंडित जी कंगन को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा सचमुच उस सुंदर कंगन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पंडित जी को 1000 रुपये इनाम दिया और कंगन अपने पास रख लिया। जब रानी ने कंगन देखा तो वह उस पर लटक हो गई। उसने उसे आप ही पहन लिया। रानी जी के कंगन और को तो दोनों हाथों की सोफा पर जाएगी। यह सुनकर राजा ने हुक्म दिया कि जाकर फौरन पंडित जी को बुला लाओ। पंडित जी ये गजा मुखरे पाकर खुशी से उछलते हुए हर बंशे सिपाही पंडित को राजा के पास ले गया। राजा ने कहा, इस कंगन को जो डाले आओ नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इसका अर्थ है पंडित जी यह देखकर अचरज में पड़ गए। इधर सोने का कंगन देखकर उनके मन में लालच पैदा हो गया। हर पहुंच पर उन्होंने ब्रह्मणी को वह कंकन दिखाया और सारी कहानी को सुनाई। वह सोचने लगी, वाह एक कंकन कितना सुंदर है। ब्रह्मणी ने उनके पति से कहा, इसे राजा के पास ले जाओ। राजा कंकन को देकर बहुत खुश होंगे और उनको इच्छा अच्छा इनाम देंगे। पंडित आर सीइंग दिस विश टू टेक द बैंकेट टू हिज वाइफ। हिज वाइफ सेड, राजास वाइफ सेड, इसे राजा के पास ले जाओ। राजा कंकन को देखकर बहुत खुश होंगे और उनके अच्छा इनाम दे। हिज वाइफ सेड, दे विल कैन हियर मोर मनी बाय सेलिंग इट। पंडित जी कंकन को देखकर राजा के दरबार में पहुंचे। दरबार मींस कोर्ट पहुंचे। राजा सचमुच उस सुंदर कंकन में, कंकन मींस बैंगल, उस सुंदर कंकन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पंडित जी को 1000 रुपया इनाम दिया और कंकन अपने पास लिया। रानी took the bangle with him and went to palace and went to Darbar into palace to meet the king. The king was king because happy and gave rupees 1000 rupees इनाम दिया। अब रानी ने कंकन देखा तो वह उस पर लटक हो गई। उसने वो अपने हाथ में बांध लिया।
राम जी ये कंकन आपको तो दोनों हाथों की शोभा बजाएंगी। यह सुनकर राजा ने हुक्म दिया कि जाकर फोड़ने पंडित जी को बुला जाओ। रानी बर्गर बैक इन द वन हैंड एंड ऑक्स लाइक टू हर अनदर बल्कि फॉर द अनदर हैंड। सो राजा कॉल्ड द पंडित। सो राजा कॉल्ड द पंडित। पंडित जी ये गजा हुए पाकर खुशी से गुजरते हुए हर बगचे चिपाही पंडित को राजा के पास ले गया। राजा ने कहा इस कंकन को जो डाले जाओ नदी तो दुखे जे में तार दुखा। पंडित वेरी हैप्पी एंड वेंट टू हिज हाउस। ऑल द सिपाही स्पेंट एट बैक ऑफ किंग। पंडित जी सिपाही पंडित को राजा के पास ले गया। राजा ने कहा इस कंकन को जो डाले आओ नदी तो दुखे जे में तार दुखा। सिपाही ब्रॉट द पंडित टू द किंग। The king said, "I need another bangle, same like this. I will put you in jail. I put you in jail, mate or duka." Pandit ji kankan ko lekar Raja ke darbar mein pahunche. Raja sachmuch us sundar kankan ko dekar bahut khush hue. Unhone Pandit ji ko ye gaza bhaya naam diya. और कंकन अपने पास लिया। जब रानी जी ने कंकन देखा तो वह उस पर लड्डू को गई। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। रानी जी ये कंकन आपको तो दोनों हाथों की शोभा बढ़ जाएगी। ये सुनकर राजा ने हुक्म दिया कि जाकर फौरन पंडित जी को बुला लाओ। पंडित जी ये गजब ग्रे पाकर खुशी से मुचलत ये कर पहुंचे। सिपाही पंडित को राजा के पास ले गया। राजा ने कहा इस कंकन को जोड़ा ले आओ नदी तो दुखे जेल में तार दुखा। राजा की बात सुनकर पेशावी पंडित जी बहुत घबराए। उन्होंने कंकन पाने का सारा हाल सुनाया पंडित जी की बातों पर राजा को जरा भी विश्वास न हुआ। पंडित जी राजा के दिए हुए रुपये लेकर भक्त रैदास के पास पहुंचे। पंडित रोकर बोले भगत जी किसी तरह जान बचाइए, इस सारे पंडित की मदद कीजिए। रैदास बोले पंडित जी मुझे रुपये नहीं चाहिए गंगा माली तक जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ब्राह्मण किधर आकर बोले तो मेरी जान कैसे बचेगी। रैदास ने कहा आप घबराइए नहीं मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। यह कहकर रैदास ने चाय बिगोड़ी वाली कटौती पर कपड़ा डाला और बोले मन शंका को कटौती में गंगा। हे गंगा तू इस भ्रमण पर कृपा करे। पर कबड़ा उड़ोती की कड़ौती में सोने का ये गंगर शम शमता हुआ। दिखाई पड़ा भक्ति उसी कंकन के जैसे था जिसे कंकन माई ने पकड़े दिया था। पंडित जी रैदास के पैरों पर गिर पड़े और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। पर रैदास ने कहा मुझे भगवान जितनी मजदूरी देता है उसी से संतुष्ट हूँ, जिससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर राजा की बात सुनकर बेचारे पंडित जी बहुत घबराए। उन्होंने कंकन पाने का सारा हाल कर सुनाया, सारा कहानी सुनाया पंडित जी की बातें पर
राजा को जरा भी विश्वास न हुआ, राजा को जरा भी विश्वास न हुआ, पंडित जी राजा के लिए रुपये देकर भक्त रैदास के पास पहुंचे, भक्त रैदास के हाथ में पहुंचे। पंडित जी रोकर बोले, भगत जी किसी तरह जान बचाइए, इस गरीब पंडित की मदद कीजिए, इस पंडित जी को मदद कीजिए। पंडित ही क्राइड एंड टोल्ड भगत जी किसी तरह जान बचाइए, इस गरीब पंडित जी की मदद कीजिए। रैदास बोले, पंडित जी मुझे रुपये नहीं चाहिए, गंगा माई तक जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ब्राह्मण टिकली आकर बोले, तो मेरी जान कैसे बचेगी? रैदास ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। रैदास सेट पंडित मुझे रुपये नहीं चाहिए, गंगा माई तक जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। He doesn't have time to go to Gangas. ब्राह्मण डिग्री आकर बोले, तो मेरे जॉन कैसे बचेगी? पंडित जी इससे Who will save my life? रैदास ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं आपकी मदद अवश्य। I definitely help you. यह कहकर रैदास ने शायर पिकोने वाली कटौती पर कपड़ा डाला और बोले, मन शंका तो कटौती में गंगा, हे गंगा तू इस भ्रमण पर कृपा करे। कपड़ा कटौती की कटौती में सोने का ये कंकर चमचमाता हुआ दिखाई पड़ा, वह भी उसी कंकर के जैसा था कि जिसे गंगा माई ने पहले किया था। Rainbow's Captain begged of the one god and prayed to God sincerely. Kabada kadavti ke kadavti mein sone ko yekan kar chamchamata hua dikhai pada, vah bhi usi kankan ke jaisa tha jise Ganga Mai ne pahle diya tha. पंडित जी रैदास के पैरों पर गिर पड़े और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, पर रैदास ने कहा, मुझे भगवान जितनी मजदूरी देता मैं उसी से संतुष्ट हूँ, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पंडित रैदास छोड़ रैदास ये क्षमा दे लोगों के छूटे हसमत ये गुजर करते थे। स्टूडेंट्स नाउ वी आर कंक्लूडेड, होप यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड वेरी वेल। आई विल सेंड यू नोट फॉर दिस कहानी, हाउ टू राइट इट ऑन योर क्लास पेपर। धन्यवाद बच्चों, यह आपकी गतिविधि है, सही मिलान कीजिए। स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों से मिलान के, राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? माता, बूटा, लड़का, महोदय आदि का स्त्रीलिंग शब्द लिखिए।